वेक्टर दो, हम लोग के पास दो फोर्स है यार, ठीक है, एक का नाम F1 रख दो, दूसरे का नाम F2 रख दो, क्या दिक्कत है, नाम दिया ही नहीं है यार, एक का नाम रामू श्यामू रख दो, कुछ भी सबसे फेमस नाम। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, उनका सम उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, समझना, दो वेक्टर हैं उनका सम करूंगा फिर उनका डिफरेंस उनके आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस बेसिस पे ये इसमें से सही कौन सा है, तो ये बात मुझे पता ही नहीं है कि वो उनका एंगल कैसे है, तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हमें पता चलेगा। एक का नाम F1 रख देते हैं, दूसरे का नाम F2 रख देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का सम F1 प्लस F2 का सम मैग्नीट्यूड मॉड, द सम ऑफ द टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, तो इनका सम जो है वो मान लेते हैं वेक्टर वेक्टर पी आया, ठीक है, वेक्टर पी, मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, ठीक है, वेक्टर पी आया, उनका डिफरेंस F1 माइनस F2 इनका डिफरेंस किए तो इनका मैग्नीट्यूड क्यू आया, तो ये कहता है पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर हैं, देयर सम इज परपेंडिकुलर टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी डॉट क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, पी डॉट क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि F1 प्लस F2 मॉड F1 प्लस F2 डॉट F1 माइनस F2 डॉट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो अगर ये इनका सम द सम ऑफ द टू वेक्टर परपेंडिकुलर डिफरेंस इन दर, तो इन दोनों में से क्या होगा, अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो अब इनका डॉट अगर जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा, अब डॉट करो F1 का F1 के साथ डॉट करो, तो खुद के साथ डॉट करते हैं, ठीक है, तो F1 डॉट F1 प्लस F1 डॉट F2, ठीक है, प्लस F1 डॉट F2, डॉट प्रोडक्ट है, मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, F2 डॉट F2 दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज हो सकता है, जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ करते हैं, आई डॉट आई करते हैं तो क्या मिलता था, आई स्क्वायर मिलता था, तो ए आ जाएगा F1 स्क्वायर, कॉस जीरो होता है, प्लस ए आ जाएगा F1 डॉट F2 कॉस थीटा इनके बीच का एंगल, और ये आ जाएगा प्लस F1 डॉट F2 कॉस थीटा इनके बीच का एंगल, और माइनस F2 स्क्वायर दैट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा माइनस F2 cos थीटा, तो देखो ये जो माइनस F2 cos थीटा ये खत्म हो गए, ठीक है, और यहाँ से F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर दैट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ F1 माइनस F2, और एक आ जाएगा F1 प्लस F2 दैट इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब F1 F2 आपस में मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है, दे आर इक्वल टू इच अदर इन मैग्नीट्यूड, दे आर इक्वल इक्वल टू इच अदर, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेक्टर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर जो सोल्यूशन मिला F1 प्लस F2 दैट इक्वल टू जीरो, मतलब F1 माइनस F2 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये दोनों वेक्टर प्यारे बच्चों इक्वल है, तो पहला ऑप्शन तो कभी सही नहीं हो सकता ना यार, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बिल्कुल गलत बात है, दे आर इक्वल इच अदर इन मैग्नीट्यूड सही है, दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड गलत है, एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, क्यों नहीं प्रिडिक्टेड हो सकता, ठीक है, चलो।